मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, अब हम आराम से बैठेंगे। आज मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। आज कितने दिनों बाद हम ऐसे दोपहर में अकेले फ्री होके बैठे हैं ना। आप तो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हैं, जो कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन अपनी बीवी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। आपको पता है मैं दिन भर कितनी अकेली हो जाती हूँ। आउट, ब्रिलियंट कैच, क्या डाइव मारी है। अच्छा आज तो हम जीत ही जाएंगे। आप क्या कह रही थी? वर्षा बता रही थी कि अनन्या को माँ के पास बहुत अच्छा लगता है, खूब लाड कराती है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो फिर मैं उसे घर ले आया करूंगी, है ना? अनन्या सुन, वो अनन्या का झुंझुना रख दिया था ना तूने, गुलाबी वाला। हाय मेरी मैया, बड़ी माँ हमने सारे खिलौने रख दिए थे। जब शौर्य पैदा होने वाला था तब मेरा मन भी करता था कि बड़ी बहू हमेशा मेरे पास रहे। बड़ी माँ, गुड़िया आ गई क्या? अरे अंशु, इतनी जल्दी कैसे आएगी? सच बताओ अंशु, मेरा भी उसके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। दिन जैसे कट ही नहीं रहा है माँ। गुलाबो, देख क्या रही है? जाना, दादा बुला रहे। गुलाबो थोड़ा ठंडा पानी दे दो और जूस। जी दादा। सुनो, अक्षरा अब तक लौटी नहीं? नहीं दादा, भाभी तो अभी तक नहीं लौटी। अच्छा, अब तक तो लौट आना चाहिए था, काफी देर हो गई है। लो, आ गया इनका फोन। ठीक है, तुम बात करो, मैं जरा चूड़िया देख लेती हूँ। कहिए, मिल गया आपको मुझसे बात करने की फुर्सत? जब मैं घर पे थी तो मुझसे बात ही नहीं की, लगता मैच खत्म हो गया है। अक्षरा, मैं एक दिन मैच का देखने बैठ गया, आप तो मुझसे नाराज ही हो गए। मैं दाल कौन सी बनेगी? अभी तक दाल नहीं बनी है। वो मुझे इतनी मुश्किल से बनी ना, बार बार खुल जा रही थी। हे भगवान। अच्छा, अब कहते कि चने की दाल बनी। जी भगवान, अब क्या होगा, मेहमान आने ही वाले होंगे। बेटा, अरे माँ, माँ वो चाचा जी आ गए, बाबू जी आपको बुला रहे हैं, आइए जल्दी। अच्छा बेटा, तुमसे कह मैं बस अभी थोड़ी देर में आई, अभी अभी इसकी आंख लगी है। माँ वर्षा कहाँ है? बेटा वो नीचे काम देख रही है, अभी आती होगी। तो माँ उसे बुला लेती, वो देख लेती ना। एक मिनट रुको, धनिया धनिया तू रुकना, क्या कर रहा है? नीचे चलिए ना, वो आ गए। आपने बुलाया शरीफ? हाँ धनिया, देखो तुम गुड़िया को संभालो, मैं वर्षा को भेजता हूँ। जी मिल क्यों नहीं रही है? कहाँ रख दी अक्षरा ने?